अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप तमाम लोगों का? दुआ और उम्मीद यही आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और खुश रखे। तो आज मैं आपसे पाए की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मेरे पास बड़ा पाया है एक, ये दूसरी इसकी हड्डियाँ हैं नली वाली, मैंने अलग-अलग से ली हुई हैं। पाया सिर्फ वो है, ये हड्डियाँ जो तीन हैं ये आपको किसी भी कसाब से अलग-अलग से मिल सकती हैं। ये तीन हड्डियाँ पाए के अलावा थी, टोटल बड़ा पाया ये एक है। तो ये मैं मिक्स ही पकाऊंगी, ये नली वाली जो हड्डी है ये भी मैं नलियां साथ ही शामिल करूंगी। तो ये मेरे पास दो बड़े साइज के प्याज थे जो मैंने इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लिए हैं। और ये मेरे पास तकरीबन 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का और मिर्चों का पेस्ट है। इसमें दो जो पोथियां थी पूरे बाँच थे वो उसके थे लहसुन के, और 2-2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था, और 6 से 7 हरी मिर्चें थी, ये मैंने बारीक पीस ली हैं। बाकी मसालों में चीज़ें जाएंगी। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए, क्योंकि मैं प्याज ब्राउन करके नहीं डालूंगी। अगर आप चाहें तो जिस तरह मैं बनाऊंगी उस तरह सेम आप वो कॉपी करें और प्याज ब्राउन करके भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है आम लाल मिर्च पाउडर है, और ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून ये काली मिर्ची है। और साबुत मसालों में जो चीज़ें हैं ये 2 से 3 जो हैं पत्ते हैं, तेज पत्ते हैं, और ये मेरे पास ये 3 टुकड़े दालचीनी के हैं। ये साबुत ही मैं मसाले डालूंगी, आप चाहें तो गरम मसाला स्किप कर दें या साथ ही रखें तो इनको पीस के भी डाल सकते हैं। ये 2 बादियान के फूल हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 3 बड़ी इलायची हैं, ये 1 फूल जो है इतना सा जावित्री का है, ये 1/2 टीस्पून लौंग है। तो ये मसाले मैं साबत ही डालूंगी। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरा ये दूसरा तरीका है पायों का, एक और तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो देख के भी आप पाए बना सकते हैं, उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। इरादा तो मेरा था मिट्टी की हांडी में पाए बनाने का, लेकिन मेरे पास ये इन हड्डियों की वजह से मिट्टी की हांडी छोटी थी तो वो उसमें अच्छी तरह इन्होंने पकना नहीं था। अगर आप चाहें आपके पास एक पाया हो तो आप मिट्टी की हांडी में बनाएं तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। नमक डालूंगी क्योंकि हम इनको थोड़ा सा पका के भुनाई करेंगे तो बाकी मसाले हम उस टाइम डालेंगे। तो ये सिर्फ नमक चला रहा है। तो मैं इनमें तकरीबन 1 लीटर पानी डालूंगी। जब ये पानी खुश्क होगा इनकी भुनाई करेंगे उसके बाद मैं ज़्यादा पानी डालूंगी। तो आप ये जो ये वाला अमल है मैं आम देखिए में पका रही हूँ, इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे, आप ये कुकर में भी पका सकते हैं। देखें ये, अगर आपको कैमरा दिखा सके तो ये देखें, मैंने इसमें कोई ऑयल शामिल नहीं किया, ये सारा ऑयल जो है इन्हीं पायों में से निकला है। अब इसकी ऑयल में मैं इनकी थोड़ी सी मसाले वगैरह डाल के भुनाई कर लेती हूँ। हमारे प्याज लहसुन भी इसी तरह डाल चुके हैं, पाया भी बिल्कुल भी नहीं गले, इनको 1 घंटा हुआ है पानी में पकते हुए, जो मैंने 1 लीटर पानी शामिल किया था। देखिए सारा जो ऑयल है इन पायों का है। अब हम ये अपने मसाले शामिल करेंगे। और इसमें 5 से 7 मिनट भुनाई करें। मुझे इससे भी थोड़े बड़े बर्तन में डालने चाहिए थे, लेकिन चलें कोई नहीं, इसी में इनकी भुनाई हो जाएगी। आपने इनमें कोई एक्स्ट्रा ऑयल शामिल नहीं करना, काफ़ी इसमें ऑयल है जो पायों को अपना ही निकले। तो अब मैं ये 7 से 8 मिनट की भुनाई अच्छी तरह हो गई है तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी।
पानी आपने खुला डालना है। तकरीबन इनको हल्की आंच पे 4 से 5 घंटे लगेंगे पकते हुए। अगर कुकर में बना रहे हैं तो वो अपने हिसाब से फिर पानी डालिए। जब इनमें एक बॉयल आएगा तो मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूंगी, ये हल्की आंच पे गलने तक पकते रहेंगे। हमारे साबुत मसाले थे, मैंने इस तरह थोड़े थोड़े तोड़ लिए, तो मेरे पास ये एक ऐसी जाली है, मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप मलमल के कपड़े में बांध के भी डाल सकते हैं। इनका मकसद इसमें डालना ये है कि आपको वरना शोरबा छानना पड़ेगा, और इस तरीके से ज़रा आपको शोरबा नहीं छानना पड़ेगा, आप आराम से इनका अर्क भी निकल जाएगा और आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ये इस तरह बंद कर देंगे, तो ये जाली आप इसके अंदर इस तरह डाल दें। देखें ऑयल कितना ज़्यादा है, तो अब ये इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये गलेंगे हमारे पाए। तो अब इसको एक बॉयल आएगा तो मैं इसकी लाइट बिल्कुल कम कर दूँगी चूल्हे की, और आराम से ये पकते रहेंगे। ये तो ये देखेंगे गाइस, ये बिल्कुल अब पाए हमारे पक चुके हैं। ये अपने मसाले जो हैं खड़े वो निकाल लेते हैं। और इसमें ये काली मिर्चें और गरम मसाला डाल के, ये मैंने एक दो दफ़े बीच में चेक कर लिए थे, पकते हुए तकरीबन इनको 5 घंटे हो गए, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं अब। तो इनको मैं ये मसाले थोड़े से इसमें रच बस जाए, मैं 5 मिनट बाद डिश आउट करती हूँ। इनका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये तो पाए बन के आपके सामने तैयार हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर रखा है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।